गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जहाँ तक आपको पता है, ईशान उदय के 2021 बैच का जो कि कुछ दिन पहला कुछ स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हो गया था और वहाँ पर उनका जो कि मेरिट लिस्ट पर एस आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ब्लैंक आया था, तो बात करेंगे जो जिसका सिलेक्ट हो गया वो लोग सोच रहे हैं कि PFMS क्यों नहीं हो रहा है। PFMS होगा लेकिन टाइम लगेगा। UGC किस तरीके से काम करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि 2 साल से आप लोग देख रहे हो UGC का जो काम करने का तरीका है वो किस टाइप से वो लोग काम करते हैं। तो ईशान उदय का जब भी PFMS होगा अपडेट तो कर ही दूंगा, लेकिन वो लेट होगा और भी कुछ टाइम लगेगा। और जिसका जो कि ब्लैंक आया है उसको मैं बताना चाहूँगा, ओनली ईशान उदय का ब्लैंक आया है, ऐसा नहीं है। जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स था जो कि सिलेक्ट नहीं हुआ उनका भी पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, कुछ भी स्कीम हो, सेम जो कि ब्लैंक आया है, ओनली ईशान उदय स्टूडेंट्स का ब्लैंक आया है, ऐसा नहीं। जो पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक उनका ऑलरेडी जो कि वो आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट आ गया है, बट उनका भी जो कि ब्लैंक आया है। तो NSP का ये जो कि कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, और जो भी स्टूडेंट जो कि ब्लैंक आया है उनको मैं बताना चाहूँगा, अब सिलेक्ट होने का कोई भी चांसेस नहीं है। सॉरी टू से, जो स्टूडेंट्स का ईशान उदय का ब्लैंक आया है उनका सिलेक्ट होने का कोई भी अब चांसेस नहीं है। और अदर स्कीम का तो ऑलरेडी जो कि स्टेटस पर शो हो ही गया है, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। सो जिसका सिलेक्ट हुआ वो कुछ दिन वेट कर सकते हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ आप जो कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करना अदर स्कीम के लिए। और आप बताना चाहूँगा जो कि माइनॉरिटी स्कीम स्कॉलरशिप का, NSP का जो और भी इसके अदर स्कीम था, प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम्स, उनका जो फ्रेश एप्लीकेशन का जो पेंडिंग पेमेंट्स था, हालांकि जो कुछ स्टूडेंट्स को जो कि फ्रेश पेमेंट मिल गया था क्योंकि वो उन लोगों को जो कि फर्स्ट पेज में जो कि PFMS हुआ था, जिसका लास्टली PFMS हुआ था और जिसका भी अभी तक मेरिट कम्स और पोस्ट मेट्रिक, प्री मेट्रिक पेंडिंग पेमेंट है जो कि फ्रेश था 2021-22 बैच का, उनका जो कि PFMS पर पेमेंट शो हो गया है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन ID भी 2-3 दिन पहले दे दिया, वो जो कि अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री पर है, वो भी 2 दिन मतलब इसी हफ्ता, इसी दिस वीक में जो कि उसका ट्रांजेक्शन ID जो कि वो पूरा हो जाएगा, अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक पर आएगा और उसके 2-3 दिन बाद जो कि अमाउंट जो कि क्रेडिट हो जाएगा। तो जितना भी NSP का भी फ्रेश पेंडिंग पेमेंट है मतलब PFMS पर है वो भी जल्दी से मिल जाएगा आपको, मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो कि रिन्यूअल प्रोसेस है 2022-23 के लिए वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट जो कि SC स्टूडेंट्स के लिए अभी स्टार्ट हुआ है। बाकी सारे जो कि स्टूडेंट्स है मतलब स्कीम है उनका रिन्यूअल जो कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप जस्ट जो कि SC स्टूडेंट्स के लिए रिन्यूअल ओपन हो गया है, तो आप जैसे कि देख रहे हो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओनली फॉर SC स्टूडेंट्स रिन्यूअल ओपन हो गया है। तो वो पूरे डिटेल में बताऊंगा और भी आगे रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट होने कुछ ही दिन बाद जो कि रिन्यूअल का और फ्रेश का दोनों का एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो जाएगा 2022-23 बैच के लिए। वहाँ से स्टार्टिंग से मैं आपको वीडियो बनाकर कोई भी अपडेट होगा कैसे अप्लाई करना है वो डिटेल आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।